कर्म करने नहीं का नाम। इसी की रोशनी में इस्लामी शरीयत में गुना तर्कुल मामूरात व फ़िअलुल मुनकरात हो गए, यानी जिन कामों से मना किया गया है उन्हें अंजाम देना और जिन कामों का हुक्म किया गया है उन्हें छोड़ देना। इसलिए कि बंदे का काम अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी है, जब वो अल्लाह की इताअत से मुंह मोड़ता है तो गोया माफियत यानी गुनाह करता है, और उसका काम है जिन कामों से अल्लाह मना करे उससे रुक जाए, जब वो उन कामों को अंजाम देता है तो गोया माफियत यानी गुनाह करता है। लिहाजा इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को नहीं मानता, उसकी पैरवी नहीं करता तो वो गुनाह है, और जब अल्लाह ताला की मना करता चीज़ों से नहीं रुकता तो वो गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया वो मैं या अल्लाह ने और जो अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करे और अल्लाह के हुदूद से आगे निकले तो वो उन्हें जहन्नुम की आग बता देगी, जिससे वो हमेशा हमेशा रहेगा और उसके लिए जिद्दत आमीर अजा। इसके बाद गुनाह की दो किस्में हैं, कबाइर यानी बड़े गुनाह, सगाइर यानी छोटे गुनाह। सूरह नजम में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइर अल-इस्म वल-फवाहिश इल्ला लम्हा, वो लोग जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से भी सिवाय छोटे छोटे गुनाहों से। इस आयत से मालूम होता है कि गुनाह छोटे बड़े दोनों तरह के होते हैं। हर वो गुनाह जिसमें कोई हद बयान की गई हो, जैसा किसी पाक पाक मुसलमान औरत पर तोहमत लगाने की हद है 80 कोड़े, और हर वो गुनाह जिसमें अल्लाह तबारक तआला के गज़ब या जहन्नुम या लानत की वही सुनाई गई हो, और हर वो गुनाह जिसमें ईमान की नफी की गई हो कि वो ऐसा करे उसके अंदर ईमान नहीं, ये गुनाह कबीरा कहलाता है, और हर वो गुनाह जिसमें कोई हद ना हो और उसमें कोई वईद ना हो, ये गुनाह सगीरा कहलाता है। गुनाहों के छोटे बड़े होने का ये मफहूम नहीं कि छोटे गुनाह मामूली है, इंसान बेझिझक उन्हें अंजाम दिया दे सकता है, बल्कि इसका मफहूम ये है कि बड़े गुनाह तौबा के बगैर माफ नहीं। ऐसा कोई बड़ा गुनाह अगर इंसान से सरजद हो जाए तो ज़रूरी है कि वो उस गुनाह से बाज आ जाए, अफसोस और नदामत का इजहार करे, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे और आइंदा ये गुनाह न करने का आहद करे, और अगर उस गुनाह का ताल्लुक बंदों के हुकूक से हो तो जो हक उससे छीना है वो उसे वापस कर ले। ये बड़े गुनाह का मामला है, इसके बगैर माफ हो। इसके मुकाबले में छोटा गुनाह जब हो जाए तो तौबा किए बगैर भी इंसान जो नेकियां अंजाम देता है उसके बदले में माफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल-हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। तो बड़े गुनाहों में और छोटे गुनाहों में यही बुनियादी फ़र्क है, इसके अलावा कोई और फर्क नहीं। इंसान के लिए ये दोनों मोहनी हैं, हलाकत हलाक करने वाले हैं, इंसान को इन दोनों से चौकन्ना और होशियार रहना चाहिए। हज़रत अबुदा के बाद अल्लाह ताला का ये कौल हमें हमेशा ज़हन नशीन रखना चाहिए, जो तफ़सीर तबरी में इमाम तबरी रहमतुल्लाह ने नक़ल किया है, ला कबीरता मअ इस्तिग़फ़ार वला सग़ीरता मअ इस्तिग़फ़ार, कि इस्तिग़फ़ार करने की सूरत में कोई गुनाह कबीरा नहीं होता, क्योंकि इस्तिग़फ़ार से माफ़ हो जाता है, और इसरार और हमेशगी करने की सूरत में गुनाह छोटा गुनाह छोटा नहीं होता बल्कि वो बड़ा होता है। अब आइए इस बात का जायजा लें कि कबीरा गुनाह क्या है। इसके बारे में बहुत सी हदीस है, मशहूर हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शरीर से का मुजफा قالوا يا رسول الله وما وما هم قال اشير بالله وقد النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي المصح وقصد المحصنات المؤمنات الغافلات। रसूल अकरम साहब ने फरमाया कि सात हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। सहाबा ने पूछा कि वो क्या है, तो आपने फरमाया कि शिर्क, जादू, किसी को नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ फेर कर भाग जाना, और बाग दामन मोमिन औरतों पर बदकारी की तुम।
सही बुखारी सही मुस्लिम ही ये हदीस में आता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आपने फरमाया तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक करो जो जिंदगी में पैदा किया। उन्होंने पूछा कि फिर कौन सा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी औलाद को इस डर से खत्म करो कि वो तुम्हारे साथ खाने में शरीक हो जाए। उन्होंने पूछा फिर कौन सा गुनाह, तो आपने कहा गया तुम अपने पड़ोसन से। सही बुखारी सही मुस्लिम ही की एक इसी हदीस में आता है कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैं क्या तुम्हें तमाम गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह की खबर नहीं। ये तीन मतलब आपने पूछा लोगों को मुतवज्जे कर दिया। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, और आप एक लगाए बैठे थे कि सीने हो गए और कहने लगे कि आगा हो जाओ, सुनो झूठी बात करना और झूठी दुआई, और ये आप बार बार कहते रहे, यहाँ तक के साहबा कहने लगे कि यहाँ छोटे और बड़े गुनाहों की तफसील बयान करना मेरा मकसूद नहीं और नहीं ये मेरा मौजूद है। जिस बात की तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि इन तीनों अहादीस में जिस गुनाह को नंबर एक पर रखा गया है और जो गुनाह तमाम बड़े गुनाहों से भी बड़ा है, वो है अल्लाह ताला के साथ यानी अकीदे की खराबी, और यही हमारा मौजूद है। अकीदे की अहमियत, सही अकीदा मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत है, बल्कि हमारी कुव्वत ताकत का असल सरचश्मा अकीदा ही है। यही वजह है कि हमारा अकीदा हमेशा दुश्मनों के नशाने पर रहा। पहले ही दुश्मन मुसलमानों के अकीदे को बिगाड़ने, उसमें फसाद पैदा करने और मुसलमानों को उससे हटाने की कोशिशें करते थे, और आज भी मशरिक से मगरिब तक यहूदी नसरानी और हिंदू तंजीमी और अफराद मुसलमानों के अकीदे में कभी मुख्तलिफ शकूक व शुबहात पैदा करते हुए और कभी मुवहिद मुसलमानों को दहशतगर्द और तशद्दुद पसंद बताते हुए अपने इस हमले को जारी रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ अकीदे के मामले में मुसलमान बहुत मसल कशका है। बहुत से मुसलमानों को ये गलतफहमी है कि उनका अकीदा सही है, और वो ये समझते हैं या फिर वो ये समझते हैं कि अकीदा कोई अहम चीज नहीं है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारी मजलिसों में, हमारी महफिलों में, हमारी तकरीरों में, हमारी आपसी गुफ्तगू में बहुत कम अकीदे का जिक्र होता है। हम कोई बड़े इज्तिमात करते हैं, सालाना हफ्तावारी या महाना कोई मुहिम चलाते हैं, तो इस्लाम के अहम अहम मौजूदात को मुंतखब कर देते हैं, लेकिन अकीदे को नजरअंदाज कर देते हैं। अकीदे के मामले में हमारी इसी गफलत की वजह से अकीदे में बहुत बिगाड़ पैदा हो चुका है। बहुत से गैर इस्लामी अफकार हैं जो हमारे दिमागों में दाखिल हो चुके हैं, बहुत सी गैर इस्लामी बातें हैं जो हमारी जबानों पर चढ़ चुकी हैं, और बहुत से गैर इस्लामी रसूम व रिवाज हैं जो हमारे माशरे का हिस्सा बन चुके हैं। और अफसोस की बात यह कि मुसलमान, बहुत से मुसलमान कुरान मजीद की इस आयत के मुताबिक हो चुके हैं, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिललाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। उनमें भी अक्सर लोग ईमान का दावा करने के बावजूद भी मुश्रिक हैं। अकीदे का मफहूम क्या है? अकीदा अब्द से निकला है, जिसके माने मजबूत बांधने, गिरह लगाने और कुव्वत के साथ बांधने के हैं। इसी लफ्जी मफहूम की मुनासिबत से अकीदे का मतलब है तमाम दीनी बातों की मजबूती के साथ इस तरह तस्दीक करना कि किसी किस्म का कोई शक व शुबा बाकी न रहे, और एक मुसलमान से जिन दीनी बातों की तस्दीक करने का मुतालबा किया गया है वो है अरकान ईमान जो छः हैं। हदीस की तहरीर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मल ईमान, ईमान क्या है, तो आपने फरमाया अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि। कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके फरिश्तों पर, उसके किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। ये अरकान ईमान है। इस्लामी अकीदे की दीगर जितनी भी बातें हैं वो इन्हीं अरकान ईमान में शामिल हो जाती हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम अकीदे के हर रुकन के बारे में अलग अलग तफसील के साथ उसमें पाई जाने वाली खराबियों के तालुक से गुफ्तगू करें। हम उमूमी तौर पर चंद अहम खराबियों का जिक्र करेंगे और उसकी वजह से जो असरात करते हैं
उनमें से कुछ असरात का हम जाएगा। अकीदे में पाई जाने वाली जो बदियाँ हैं उनमें सबसे पहले हम नवाकिद इस्लाम का जायजा लेते हैं। नवाकिद इस्लाम ये हकीकत में वो चीज़ें हैं जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, वो बातें जिनकी वजह से इंसान मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमान नहीं रहता, इस्लाम में दाखिल होने के बावजूद भी इस्लाम से निकल जाता है। ये कुल 10 रूप हैं जिन्हें शेख इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में जमा किया है और उलमा अक्सर इसका जिक्र करते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है किसी को अल्लाह के बराबर करार देना या अल्लाह के साथ इबादत और वफात में दूसरों को शरीक करना। किसी को अल्लाह के बराबर करार देना, जैसा कि मजूसियों का अकीदा है कि इस कायनात के दो खालिक हैं, एक खैर का दूसरा शर का, एक रोशनी का दूसरा तारीकी का, या अल्लाह पाक ताला की ज़ात में शरीक करना, जैसा कि यहूदी कहते हैं कि उबैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नसारा कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और बात जाहिल मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ताला के नूर से पैदा किए और अल्लाह पाक ताला की इबादत में शरीक करने का मतलब ये कि इबादत की जितने किस्में हैं, जैसे रुकू करना, सजदा करना, नजर व नियाज मानना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह पाक ताला के सिवा किसी और को शरीक कर लेना, किसी और की आगे बजा लाना। जानवर ज़बह करना भी उसमें शामिल है, और खसूसी तौर पर जानवर ज़बह करने की बहुत सी गलत शक्तियाँ हमारे माशरे में राय हो चुकी हैं, उनका मैं इशारा का जिक्र कर दूँगा कि पहली सूरत है कि कब्र में मदफून बुजुर्गों का खून हासिल करने के लिए जानवर ज़बह करना। दूसरी शक्ल है जिन्हों को खुश करने के लिए जानवर ज़बह करना, जैसा कि जादूगर कहते हैं करते हैं, या फिर जादूगरों के पास जाने वाले दूसरे लोग करते हैं। और तीसरी शक्ल है घर बनाते वक्त जानवर ज़बह करना, बुनियाद डालते वक्त और उसका खून बुनियादों में डालना, या फिर नए घर में मुंतकिल होते वक्त जानवर ज़बह करना, उसका खून दीवारों से लगाना ताकि जिन खुश हों और वो उनके शर्त में खुश रहें। ये तमाम अल्लाह पाक ताला के सिवा दूसरों के नाम जानवर ज़बह करने की मुख्तलिफ शक्लें हैं, और ये अल्लाह पाक ताला के साथ उसकी इबादत में शिर्क करना है। और अल्लाह पाक ताला की सिफात में शिर्क का मतलब ये कि हर पोशीदा और छुपी हुई चीज और गैब की बातें ये सिर्फ अल्लाह जानता है। कुल ला यअलमु मा फिस समावाति वल अर्ज़ अल-ग़ैब इल्लल्लाह। आप कह दीजिए कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है उनमें कोई गैब का इल्म नहीं जाता सिवाय अल्लाह के। किसी के बारे में ये इत्तेफाक रखना कि वो गैब का इल्म जानता है, ये हकीकत में अल्लाह पाक ताला की सिफात में शिर्क है। अल्लाह पाक ताला ने फरमाया वला तकुनु यदून लिल्लाहि मा ला यदुरुहु वला यनफ़ुहु वा यरफ़ुहु, कि तुम वला तकुनु मिन इल्लाहि मा ला यदुरुक वला यनफ़ुहु, कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरों को मत पुकारो जो तुम्हें नफ़ा पहुँचा सकते हैं और ना नुकसान। अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में भी पहुँचाओगे। नवाकिद इस्लाम में से दूसरी चीज़ है कि अपनी और अल्लाह ताला के दरमियान वास्ते और वसीले बनाना, फिर उनसे दुआएं मांगना और उन्हें शफाअत तलब करना। कुछ लोगों के बारे में ये अकीदा रखना, अम्बिया के बारे में, औलिया के बारे में या फरिश्तों के बारे में, कि ये अल्लाह के पास बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, हम गुनहगार हैं, अपनी बात अल्लाह तक नहीं पहुँचा सकते, हम इनसे मांगेंगे कि अल्लाह के पास ताला से कहकर हमारे गुनाह पूरे करा देंगे, तो ये वास्ते और वसीले बनाना अल्लाह पाक ताला के पास मांगने के लिए, तो ये इस्लाम को तोड़ने की दूसरी किस्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया वयअबूदुना मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यन्फ़उहुम वयक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, और वो अल्लाह के सिवा ऐसों की इबादत करते हैं जो उन्हें नफ़ा पहुँचा सकते हैं उन्हें नुकसान, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। तीसरी चीज़ है काफिरों और मुश्रिकों को काफिर और मुश्रिक न कहना, या उनके कुफ्र में शिर्क करना, या उनके आमाल और तरीके को सही समझना। दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक सही और वो इस्लाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाह की इस्लाम, ये दीन अल्लाह के पास इस्लाम है, और फरमाया वमन यबतगी गैर अल-इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आख़िरति मिनल काफिरीन, और जो इस्लाम के सिवा किसी और दीन को चाहेगा वो उसे कबूल नहीं किया जाएगा और वो आख़िरत में नुकसान उठाने वाला है। जब ये सही है तो इसके अलावा जितने भी हैं सब बातें हैं। फमाना बाद अल-हक़ इल्ला अल-ज़लाल, हक के बाद सिवाय गुमराही के और क्या हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उनमें भी सच्चाई है, वो भी सच्चे मजहब हो सकते हैं, तो ये इस्लाम के बुनियादी अकीदे के खिलाफ है। और चौथी चीज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से किसी और के तरीके को अफजल और आपके हुक्म से किसी और के हुक्म को बेहतर समझना। कोई शख्स ये समझता है कि इस्लामी निज़ाम के मुकाबले में दुनिया के जो दूसरे निज़ाम
نظام ہے جیسے کہ سرمایہ دار نظام جو امریکہ میں ہے یا پھر اشتراکیت جو روس اور چین میں ہے, یہ نظام اسلامی نظام سے بہتر ہے یا ان کے قوانین اسلامی قوانین سے بہتر ہیں یا اسلام کے جو قوانین ہیں وہ موجودہ دور کے لیے مطابق نہیں ہیں, موجودہ دور کو اوپر چلنا ٹھیک نہیں ہے, جیسے چور کے ہاتھ کاٹنا ہے یہ تمام موجودہ دور میں ہم نہیں کر سکتے, یا پھر یہ سمجھنا کہ مسلمانوں کی جو ذلت و پستی ہے وہ اسلامی تعلیمات ہو جاتی ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہیں اور عقیدے میں پائی جانے والی غلطیوں میں ہیں. اور چھٹی چیز ہے, پانچویں چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کے کسی بھی حصے کو نامزد کرنا اگر یہ کہ وہ اس پر عمل کرتا بھی کیوں ہے, کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ناپسند کرتا ہے, اس پر عمل بھی کرتا ہے لیکن ناپسند کرتا ہے تو یہ عقیدے کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنکم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالکم, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اسے انہوں نے ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. چھٹی چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا, اور یہ بہت بڑی خرابی ہے جو بہت زیادہ منتشر ہے. مذاق کے طور پر اسلام کی کسی بات کا ذکر کرنا یہ آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے, جیسے داڑھی کا مذاق اڑانا, پردے کا مذاق اڑانا, نماز کا مذاق اڑانا یا اسلام میں جو ثواب اور سزا بتائی گئی ہے اس کا مذاق اڑانا, یہ تمام بہت ہی خطرناک برائی ہے اور اسلامی عقیدے کی بہت عقیدے میں پائی جانے والی بڑی خرابی ہوتی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ منافق ایک جگہ جمع تھے, تو ایک منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا ما رأينا من القرى إلا هؤلاء أرغب بطونا ولا أقرب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء, کہ ہمارے یہ جو قاری لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں اس کے برات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے, ان سے زیادہ پیٹ بھرنے والے اور ان سے زیادہ جھوٹ بولنے والے یعنی شیرے بگانے والے اور ان سے زیادہ جنگ کے موقع پر پیٹ پھیرنے والے ہم نے کوئی اور نہیں دیکھے. ایک مسلمان بھی وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خبر دوں گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, جس مناسب نے یہ باتیں کہیں تھیں وہ بھی ان کے پیچھے گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ اطلاع ہوئی تو اس کے بعد مناسب پہنچا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مذاق کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی بڑی سال تم نئے قرون نہ ان نہ کن نہ نقوب و نل آپ کل ابھی نہ جب آیا جی ورسول لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم, اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو گپ شپ اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو, تم کوئی عذر مت پیش کرو, اسلام لانے کے بعد کافی ہو چکے ہو. حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ وہ منافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر کر بار بار عذر پیش کر رہا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اور بار بار یہ آیت تلاوت کرتے جا رہے تھے. ساتویں چیز ہے, جادو کرنا اور اس سے رضامند ہونا خواہ کسی بھی قسم کا. جادو بہت ہی مہلک اور بہت ہی بڑی برائی ہے, یہ کفر کا راستہ ہے بلکہ کفر ہے, کیونکہ کفر کے بغیر جادو کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. ہاروت و ماروت کو بابی نے آزمائش کے طور پر جادو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس کے بارے میں فرمایا وما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنہ فلا تفتن, وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں تم کفر مت کرو, تم کفر مت کرو. تو جادو کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے, جادو کا علم سیکھنا یہ بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے, انسان کو اسے دور رہنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر جادو ہو جائے تو اس کی علاج کیسا کیا جائے, تو اگر جادو کا علاج جادو کے ذریعے کیا جائے تو یہ بھی کفر ہے کیونکہ جادو شیاطین کی مدد کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا. جادو کا علاج اگر جادو کے ذریعے کیا جائے تو پہلی بات یہ کہ صحیح طور پر علاج نہیں ہوتا کیونکہ شیاطین کی دیر کے لیے پیچھا چھوڑ دیتے ہیں پھر لوٹ کر آ جاتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ اس علاج کا فائدہ کیا ہے جو ایمان سے ہاتھ دھونے کی فکر ہوتا ہے. البتہ جادو کا علاج قرآن مجید کی آیا اور ثابت شدہ احادیث کے ذریعے کیا جا سکتا ہے, بلکہ کیا جانا چاہیے, اس سے جو علاج ہوگا اس میں ایمان بھی محفوظ رہے گا اور ہمیشہ کے لیے علاج ہو جائے گا. آٹھویں چیز ہے, مشرکین کی مدد کرنا یا مسلمانوں کے خلاف ان سے تعاون کرنا. اسلامی عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے ولا و براء, مسلمانوں سے دوستی کرنا اور کافروں سے براءت کا اظہار کرنا.
कुफार मुश्रिकीन से मुआलात यानी दिली मोहब्बत और खसूसी ताल्लुक रखना ये अकीदे बला वगैरह के खिलाफ है, ईमान के तकाजों के खिलाफ है। इसलिए कि ईमान का तकाजा है कि आदमी दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए करे, जो अल्लाह का दोस्त है उसे दोस्त रखे, जो अल्लाह का दुश्मन है उसे दुश्मन रखे, और कुफार मुश्रिकीन खाओ किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों अल्लाह के उसके रसूल के और अहले ईमान के दुश्मन है, लिहाजा उनसे खसूसी मोहब्बत और दिली ताल्लुक ये जायज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुफार मुश्रिकीन से किसी भी तरह का ताल्लुक जायज नहीं है, बल्कि उनके उनसे जो मना किया गया है वो मुवालात है, और मुवालात दिली ताल्लुक को कहते हैं, जहाँ तक ज़ाहिरी ताल्लुक है ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। जैसे उनसे तजारत के ताल्लुक पैदा करना, लेन देन करना, और इसी तरह ज़रूरत के मौके पर उनसे मुआहदे और सुलह करना, और इंसानियत की बुनियाद पर उनकी मदद करना, उनके साथ उनका शुरू करना और मुदारा का रवैया अख्तियार करना, ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं। अलबत्ता दावती मसीहत के बगैर उनकी मजलिसों में कसरत के साथ शरीक होना, उनके साथ उठना बैठना, उनकी ममालिक का बगैर ज़रूरत के बिना किसी ज़रूरत सफर करना, और ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ क़याम करना, किसी काफिर खिलाड़ी से ताल्लुक़ साथी पैदा करना, उसकी तारीफ करना, और किसी काफिर रहनुमा या शख्सियत को अपना आइडियल बनाना, उसके तौर तरीके को अपनाना और उसके पीछे चलना, और फिर मुसलमानों के राज के हवाले करना, ये वो मुआलात है जिससे मना किया गया है। अल्लाह पाकता ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ू यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिन्हुम। ऐ ईमान वालों, तुम यहूद और नसारा को अपने दोस्त न बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो तुम में उनसे दोस्ती करेगा वो उनकी दुश्मन होगा। इसके बाद नवाफिज इस्लाम में नफी चीज़ है कि अकीदा रखना के बाद लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से बाहर निकलने की आज़ादी है। पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, इस मकाम पर पहुँच चुके हैं कि अब उन्हें मजीद इबादत करने की जरूरत नहीं है, ये अकीदे के खिलाफ है, क्योंकि वमई यब तदी गैर इस्लामिकीन फलई युग बल अमी वह वकीदा काफी, इस्लाम के अलावा जो कोई और नहीं चाहेगा वो उसे कबूल किया जाएगा और वाकई में नुकसान उठाने वाले, और दुनिया के सबसे मुत्तकी इंसान अल्लाह के रसूल का हाल, और आपकी इबादत का हाल ये था कि आप रातों को नमाज पढ़ते तो आपके पैरों में वर्म हो जाता, आप सबसे ज़्यादा मुत्तकी थे और आप सबसे बड़ी मिसाल थे, और कभी अल्लाह की शरीयत से नहीं थे। तो ये इत्तेहाद की खराबी है। और दसवीं चीज़ है अल्लाह ताला के दीन से एराज़ और दूरदारी करना, न उसे सीखना न उस पर अमल करना। इंसान ना अल्लाह ताला के दीन पर तवज्जो दे, ना उसे सीखने की कोशिश करे और ना उसे अमल करने की कोशिश करे, ये नवाकिद इंसान में है जो इंसान की इंसान को तोड़ देता है, अकीदे की बहुत बड़ी खराबी है। वमन अज़्ज़ु मिम्मन ज़िक्रा बिआयाति रब्बिही थुम्मा आरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। उससे बढ़कर ज़ालिम कौन हो सकता है जिसे उसके रब की आयतों के जरिए नसीहत की जाए और वो उसे मुंह मोड़ ले, रूगरदारी करे। हम मुजरिमों से बदला लेने वाले हैं, ये कुरान शरीफ की आयत है, इससे वाजिब होता है कि अल्लाह पाक ताला के दीन से एराज करना ये बहुत बड़ी खराबी है। इसके बाद आइए हम वसाइल शिर्क की जायजा लेंगे। कुछ चीज़ें बराह रास्त शिर्क हैं, जैसे कि इंसान खबर में मदफून लोगों से सिफारिश तलब करता है और उनकी इबादत करता है, उनको रुकू और सजदा करता है, ये बराह रास्त शिर्क है और ये इंसान के इस्लाम से खारिज कर देता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शिर्क का वसीला है, बराह रास्त शिर्क नहीं है, तो उन्हें शिर्क नहीं कहेंगे बल्कि उन्हें हराम कहेंगे, और ये शिर्क का जरिया बन सकते हैं। जैसे शिर्क हराम है वैसे शिर्क के वसाइल भी हराम है, और ये वसाइल गुनाह कबीरा से भी बड़ा गुनाह है। इनमें सबसे पहली चीज़ है पाग ताबीर गुंडा कड़ा और छल्ला वगैरह इस्तेमाल करना, आसिर नजरे पर हसद बुरे ख्वाब वगैरह से बचने के लिए, या क्या कामयाबी सेहत वगैरह हासिल करने के लिए अपने गले में ताबीर कड़ा या छल्ला अपने हाथों में, या फिर मटका वगैरह लटकाना, ये वसाइल शिर्क है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हदीस में फरमाया मन अल्लाह शैनन गुदगिरा है, जो कोई चीज़ लटकाता है वो उसी के हवाले कर दिया जाता है, यानी इंसान अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। इब्ने हिब्बान और मुसनद अहमद के हदीस है जिसे अल्लाह अलबानी ने खुदा ने जिक्र करा दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में पीतल का एक छल्ला देखा। आपने पूछा कि अफसोस है तुम पर, ये क्या है? उसने कहा कि ये कमजोरी दूर करने के लिए।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसे निकाल कर फेंक दो, अगर इसी हालत में तुम्हारा इंतकाल हुआ तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अलबत्ता तामील अगर पुरानी आयात और अहादीस पर मुश्तमिल दुआएं वो हों तो उसका क्या हुक्म है, तो उसके बारे में भी उलमा का सही कौल यही है कि वो भी जायज नहीं है। इसलिए कि अहादीस में तावील से मना किया गया है तो उमूमी तौर पर मना किया गया है, कुरान पर मुश्तमिल आयतों को अहादीस में मुस्तस्ना नहीं किया। और दूसरी वजह ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये साबित नहीं कि आपने तावीज बांधी हो या सहाबा किराम ने अपने बेटों को तावीज बांधी हो। और तीसरी बात ये कि इसमें कुरान की बेहुर्मती और बेबदी होने का इम्कान है, क्योंकि आदमी उस हालत में भी पहनेगा जबकि वो नापाक रहेगा और उन्हें रहकर नापाक महापाक होगा। और सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह हराम तावीज़ों का भी दरवाज़ा खुल जाए। इसके बाद वसाइल शिर्क में दूसरा वसीला है झाड़ फूक और शिर्क के अमल का। ज़माने जाहिलियत में शयातीन भगाने, मुसीबतें दूर करने और सेहत हासिल करने के लिए शिर्क या मंत्रों का सहारा लेते थे, और बास आमिन शयातीन की मदद के जरिए लोगों का इलाज करने का दावा करते थे। इस तरह के लोग हमारे माशरे में भी पाए जाते हैं, इस तरह के काबिल और उनके पास आमिन। इस्लाम ने इसे मुकम्मल तौर पर मना कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत पैदा करने वाले अमलियात ये सब के सब शिर्क है, यानी इंसान को इसे बचना चाहिए शिर्की अमल का जिसमें शयातीन से मदद हासिल की जाती है। अलबत्ता कुरान मजीद की आया और रसूल अकरम से साबित शुदा दुआओं के जरिए दम करना ये जायज़ है, लेकिन उसके भी कुछ शर्त है। उनमें सबसे पहली शर्त यह है कि ये अल्लाह तबारक तआला के मुबारक नामों और सिफात के जरिए ही किया जाए, और दूसरी बात ये कि अरबी जबान में हो, और तीसरी बात ये है कि उनके माने समझ में आ गए, उनके माने समझ में आ गए, और चौथी बात यह है कि उसमें जो दूसरे मुनकरात और बुराइयां हैं उनका इर्तिकाब ना होता हो, जैसे औरतों और मर्दों का इख्तिलात है या जादू या फिर ये दम करने वालों का किसी महरम औरत के साथ अकेले होना है, ये तमाम खराबियों से मौजूद ना हो तो फिर ये जायज़ है और आदमी को इसका अहतमाम करना चाहिए। तीसरी चीज़ है वसाइल शिर्क में बदशगुनी लेना। बदशगुनी यानी बुरा ख्याल अशखास से, परिंदों से, रंगों से, नंबरों से, इन चीज़ों से ली जाती है। जैसा कि बात लोग समझते हैं कि सफ़र का महीना मखसूस है या 13 का आदत उनके लिए लकी नहीं है वगैरह वगैरह, ये अकीदे सही अकीदे के खिलाफ है। इसलिए कि आदमी इसमें ऐसी चीज़ से खौफ महसूस करता है जो हकीकत में नफा नुकसान के मालिक नहीं है, इन चीज़ों से खौफ करता है जो हकीकत में नफा नुकसान के मालिक नहीं है। इसके लिए अकीदे में ये बहुत बड़ी बुराई है। रसूल अकरम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन तसय्यरा अव तुय्यिरा, कबरानी की चीज़ से दिया कि वो हम में से नहीं है जो बदपाली ले, बदशगुनी ले या उसके लिए बुरा सुकून दिया जाए। इसके बाद फिर दरख्तों पत्थरों से बरकत हासिल करना, दरख्त पत्थर कबर रंग नंबर इनसे बरकत हासिल करना, उनमें से किसी को अपने लिए लकी समझना, ये भी अकीदे की खराबी है, क्योंकि आदमी ऐसी चीज़ों में नफा समझता है जो हकीकत में नफा के किसी भी तरह मालिक नहीं है, और ये बहुत बड़ी खराबी है। उन्होंने दिल्ली की हदीस में अल्लाह ताला ने सही करार दिया कि अबू वाकिद अल लैथी रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनैन के लिए निकले, रज़ी अपने के लिए, तो हम एक दरख्त में से गुजरे जो बेली का दरख्त था, मुशरिकीन उस दरख्त का तवाफ करते थे और उस पर बरकत की नीयत से अपने हथियार वगैरह लटकाते थे, हम ये भी जिंदा में दाखिल हुए थे, वो कहते हैं कि अभी जिंदा में दाखिल हुए थे ऐसे दरख्त से गुजरे और उसको ज़ाते अनवाब कहते थे। तो हमने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी एक ज़ाती अनुमान बना दीजिए जैसे कि उनके लिए ज़ाती अनुमान है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभानअल्लाह, यही तो रास्ते हैं, अल्लाह के कदम तुमने वही बात कही जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहि सलाम से कही थी कि हमारे लिए भी एक मामूल बना दीजिए जैसा कि उनके पास था। मूसा अलैहि सलाम ने कहा था कि तुम्हें जाहिल कौम हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रूर तुम अगली कौमों की नक्शे। इसके बाद काहिनों और नजूमियों की तस्दीक करना। काहिन और नजूमी जो पोशीदा बातों को जानने का दावा करते हैं, मुस्तकबिल की खबरें देते हैं, चोरी का माल कहाँ छुपा है उसको बताने की
दावे करते हैं, शयातीन से मदद हासिल करते हैं। एक दो बात को शयातीन जो कि आसमान से उचक लेते हैं तो उनकी सच हो सकती है, उसके बाद अपनी तरफ से नल्ला में झूठ मिलाकर लोगों के सामने बयान करते हैं। तो ये अकेले की भद्रेखा है। आदमी को उनके पास जाना या उनकी तस्दीक करना उसके ईमान के लिए बहुत बड़ी बहली है। रसूल अकरम साहब ने फरमाया, मन अता अर्राफन और गाहिनन फसद्दको बिमा यकूल फकद कफरा बिमा उन्ज़िल अला मुहम्मद। कि जो किसी अर्राफ के पास जाए, अर्राफ कहते हैं जो माजी की खबरें बताता है, माजी की खबरें जो इंसान नहीं जानता वो सीधा उसको बता दे, चोरी करने के बाद मार कहाँ छुपा कर रखा है। तो रसूल अकरम साहब ने फरमाया कि जो किसी अर्राफ के पास जाए या कानून के पास जाए जो उस तरह की खबरें बताता है और उसकी तस्दीक करे, उसकी बातें सच माने, तो उसने उस शरीयत की तस्दीक की जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई। हकीकत यह है कि किसी भी माशरे में जादूगरों, रूहूमियों और काहिनों का फैल जाना ये उस माशरे के अकीदे की कमजोरी और उन अल्लाह ताला पर भरोसा करने में उनकी कमी की दलील है। और ये नजूमी और जादूगर लोगों के खास तौर पर औरतों की अकलों से और उनके जज्बात से खेले और उनके ईमान पर टाका डाले। यही वजह है कि खुलफाए राशिदीन के दौर में बनू उमैया और खुलफाए अब्बासिया के दौर में इनको कत्ल कर दिया गया। एक अब्बासी खलीफा के दौर में एक काहिन जाहिर हुआ जो गैब की बातें जानने का दावा करता था। खलीफा ने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम लोगों की उम्रें जानते हो? उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। तो खलीफा ने पूछा कि मेरी उम्र के कितने साल बाकी? उसने कहा कि 2 या 3 साल। तो खलीफा ने पूछा कि तुम्हारी उम्र के कितने साल बाकी हैं? उसने कहा कि 30 साल। खलीफा ने पहले ही जल्लाद को तैयार होने का हुक्म दिया था। इशारा हुआ तो जल्लाद ने उसी वक्त उसका सर कंधे से जुटा लिया और इसके साथ ही उसका झूठ और फरेब लोगों के सामने आ गया जो अपनी उम्र के 30 साल बाकी होने का दावा कर रहा था, लेकिन उसी वक्त कत्ल कर दिया गया। लेकिन चूंकि ये हुक्म इस्लामी हुकूमत ही नाफिज कर सकती है, अफराद या जमातें जमीयतें अपने तौर पर यह हुक्म नाफिज नहीं कर सकते, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम माशरे को ये खराबियों से आगाह करें, माशरे में बेदारी पैदा करें और इनसे चौकन्ना रहने के सिलसिले में जो कुछ हम कर सकते हैं, खासतौर पर खतर जैसे इस्लामी मुल्क में ये मुमकिन है कि इस तरह के अफराद हमें मालूम हो तो हम मिजाज वफाक से उनकी इतला करें ताकि माशरा उनके शर से बेहतर जा सके। छठी चीज़ है ऐसी चीज़ों का वसीला लेना जो कुरान हदीस से साबित है। वसीले में इंसान ये कहता है कि मैं फला नबी की ज़ात से या फरिश्ते से और उनसे वसीला मांगता हूँ कि मेरे दुआ की ज़रूरत हो, या फिर उनके हक, उनके चाह, उनके मरतबा और फिर उनके मकाम, उनके जरिए, उनके सत्य के जरिए वसीला मांगता हूँ कि मेरी दुआ कबूल फरमा या मेरी मुसीबत दूर कर दे। तो ये भी अकेले की खराबी है जो वसाइल शिर्क है। इसी तरह सातवीं चीज़ है ताकीद में गुलू करना। गुलू का मतलब है कि किसी को उसके मकाम से बढ़ा देना और ये बहुत बड़ी बुराई है। हकीकत ये है कि दुनिया में शिर्क का आगाज भी नेक लोगों में गुलू करने की वजह से हुआ। नेक लोगों में गुलू करना ये वो खराबी है जो शिर्क के आगाज का सबब बनती है। रसूल अकरम साहब ने फरमाया, इय्याकुम वल गुलू फिल दीन फइन्नमा अखलक मन काना क़ब्लकुम बिल गुलू फिल दीन, कि तुम दीन में गुलू करने से बचो इसलिए कि तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए वो दीन में गुलू ही की वजह से हलाक। और कुछ अपने बारे में रसूल अकरम साहब ने सही बुखारी की हदीस फरमाया, ला तुतिकूनी कमा अतरतिन नसारा बिन मरियम इन्नमा अना अब्दुन फकूलु अब्दुल्लाह। तुम मुझे इस तरह मत बढ़ा दो जैसा कि ईसाइयों ने, नसरानियों ने ईसाई के मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बोला किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तू मुझे अल्लाह सुब्हान तआला का बंदा और उसका रसूल। तो गुलू ये बहुत बड़ी बुराई है जो इंसान को शिर्क तक पहुँचा देती है, वसाइल शिर्क में से है। खबरों से मुताल्लिक बात यूँ है, जैसे खबरों पर मसाजिद तामीर करना, खबरों को इबादतगाह बनाना और उसमें बुजुर्गों की तस्वीरें रखना, खबरों को पुख्ता बनाना और उनके पुट्टे तामीर करना, खबरों पर जायद मिट्टी डालकर उन्हें बुलंद करना, खबरों पर बैठना और उनकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ना, खबरों पर जानवर दफन करना, खबरों पर रुख और मेलों का इनकार करना, ये तमाम वो मौजूदात हैं जो जिनके बारे में सही हदीस साफ तौर पर आई है। लेकिन इसका मौका नहीं है उसका जिक्र करें। रसूल के साथ में एक हदीस जो सही बुखारी मुस्लिम की ओर से जिक्र करूंगा कि लअनल्लाहु अल्यहूदा वन्नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। रसूल अकरम साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे उन लोगों ने अपने नबियों की खबरों को सही जगह। तो खबरों के सिलसिले में ये तमाम चीज़ें बिल्कुल बना। इसके बाद तीसरी चीज़ है
मक्का और मदीना में मुख्तलिफ चीज़ों से बरकत हासिल करने के सिलसिले में होने वाले लोग हैं। मक्का और मदीना कुरान और सुन्नत, तौहीद और सुन्नत के सबसे बड़े मरकज हैं। यहीं से तौहीद की दावत का आगाज हुआ और यहीं से फिर ये दावत पूरी दुनिया में फैली। खालिस अल्लाह ताला की इबादत के लिए ज़मीन में जो सबसे पहला घर बनाया गया, जिसे इब्राहिम इस्लाम ने बनाया, वो यही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने मिलकर अल्लाह की इबादत के लिए जो घर कायम किया वो भी यही है। लेकिन ये किस कदर महरूमी की बात है कि दुनिया के दूर दराज इलाके से कुछ लोग लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए तौहीद के इस मरकज में दाखिल होते हैं और ईमान से हाथ धोकर वापस लौटते हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ भी वो ईमान से हाथ धो बैठते हैं? उनमें पहली चीज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत के लिए जो करते हैं। आमतौर पर बात शोरा जब नाम करते हैं तो उनके कलाम में मस्जिद नबवी और काबतुल्लाह की ज़ियारत के बजाय रसूल वसल्लम की ज़ियारत, खबर की ज़ियारत का शौक ज़्यादा होता है। हाजी भी हज करते हैं तो बात दो मक्का और मदीन काबतुल्लाह और मस्जिद नबी की ज़ियारत के बजाय रसूल वसल्लम की ज़ियारत का शौक ज़्यादा है, जबकि इनके लिए सफ़र करना ये इस्लाम में हराम है। रसूल वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी के मुस्लिम के हदीस ला तशद्दु बिहाज इल्ला इला सलाती मसाजिद मस्जिद अल-हराम वल मस्जिद अल-अक्सा व मस्जिद के सफ़र नहीं किया जा सकता, कजावे नहीं कसे जा सकते मगर तीन मकामात की तरह, मस्जिद हराम, मस्जिद नबी और मस्जिद इबादत की नीयत से, सवाब की नीयत से इंसान सिर्फ इन्हीं तीन मकामात की तरफ सफ़र कर सकता है। इनके अलावा किसी और मकाम पर अगर इबादत की नीयत से सफ़र करता है तो वो हराम है। हज़रत अबू बकर इफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा कोहे दूर की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए। कोहे दूर हम जानते हैं कि वहाँ अल्लाह पाक ताला की तरफ से हज़रत सलाम अलैहि पर वही नाज़िल होती थी, अल्लाह पाक ताला उस मुकाम पर बात करते थे हज़रत सलाम अलैहि से। तो ये सहाबी वहाँ की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब वापस हुए तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं रोक देता, इसलिए कि मैंने रसूल अकरम को फरमाते हुए सुना कि सफ़र नहीं किया जा सकता मगर इन तीन मसाजिद की तरफ, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी। दूसरी चीज़ है काबतुल्लाह की दीवारों और उसके पर्दे और उसके दरवाजे से बरकत हासिल करना। काबतुल्लाह अल्लाह पाक की बात के साथ किया गया, लेकिन उसमें दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ हजरे अस्वद, जिसको बोसा लेना या उसे हाथ लगाकर हाथ का बोसा लेना या किसी चीज़ से उसको छूकर उस चीज़ का बोसा लेना, ये साबित है। दूसरी चीज़ है रुकन ईमान, जिसको छूना साबित है, वो सारे नाजी वहाँ साबित होंगे। ये दोनों ही चीज़ें हैं। इनके अलावा उसकी दीवारों को, उसके पर्दों को और मुख्तलिफ चीज़ों को बरकत से हाथ लगाना, ये इंसान के अकीदे के खिलाफ है, सही अकीदे के खिलाफ है। तीसरी चीज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर से बरकत हासिल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर, उसकी जाली, उसके पर्दे वगैरह को छीना और ये सोचना कि उनके लिए बरकत होगी, ये भी बताया जाए। बरकत की हुसूल की नीयत से बात तारीखी मकामात की ज्यादा है। मक्के मदीने में बहुत से तारीखी मकाम हैं, इस्लामी आसार हैं, फैले हुए हैं। इनमें मदीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े की ज़ियारत और जन्नतुल बकी की ज़ियारत और शोहदाए अहद की ज़ियारत, ये मशहूर है। इसके अलावा मक्का मदीना में जो तारीखी मकाम फैले हुए हैं वहाँ इंसान सवाब की नीयत से जाए और बरकत के हुजूर की तवक्को रखे, जैसा कि मक्के में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मकाम है या ग़ार हिरा है, मदीने का ग़ार कौ है, तो ये सही अकीदे के खिलाफ है और अकीदे का बिगाड़ है। नमाज पढ़ने की नीयत से बास तारीखी मकाम की ज़ियारत, जैसा कि हमने सुना कि सवाब की नीयत से तीन मकाम की तरफ कवर कर सकते हैं। मदीने में दो मकाम हैं, एक मस्जिद नबी है और दूसरा मस्जिद कुबा है। इनकी ज़ियारत मशहूर है, करना चाहिए, मुस्ताद है। लेकिन इसके अलावा जो मुख्तलिफ मसाजिद हैं, जैसे मस्जिद क़िबलतैन हैं, सात मसाजिद हैं, नमाज पढ़ने की नीयत से वहाँ सफ़र करना ये जायज़ नहीं है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा कुछ मुसलमानों को देखा कि नमाज पढ़ने के लिए एक दूसरे के पीछे चले गए किसी मकाम पर। उन्होंने देखा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अपने अंबिया के आसार को इबादत गाह बना लोगे? यही वो वजह है जिसके पहली कौमें हलाक हो गई। ऐसे किसी मकाम से तुम गुजरो तो नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़ लो, वरना सारा दिन का गुजर जाएगा। इसके बाद है अल्लाह ताला के बाबरकत अपना और सिफात में तस्वीर किया है। अल्लाह पाक ताला के मुबारक नाम है, अल्लाह पाक ताला की सिफात में बहुत ज्यादा है। सही बुखारी की हदीस में अल्लाह पाक ताला के नंदान में नाम का जो जिक्र किया गया है वो कसरत के बयान करने के लिए, अल्लाह ताला के नाम तो बहुत ज्यादा है।
इन नामों का वसीला और इनके जरिए दुआ मांगना ये बहुत ही अच्छा है और अल्लाह का करे मेरी दुआ हो सकता है। लेकिन इनमें कजरबी या इजहार इसका मफहूम ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम में तब्दीली करना, जैसा कि मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम अल्लाह से लात अपने खुद का नाम रख दिया और अल्लाह सुब्हान व तआला की सिफत अल अज़ीज़ से उज़्ज़ा और अल्लाह तआला की सिफत अल मन्नान से मनात अपने बुतों के नाम रख दिया। ये अल्लाह सुब्हान व तआला के नामों में तब्दीली है जो हराम है, जायज़ है अकेले के साथ। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला के नामों में इजाज़ा करना, जैसा कि अहले फारस ईरानी अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम में खुदा यज़दान अहरमन का इजाफा किए हुए हैं, या बहुत से हिंदू अल्लाह सुब्हान व तआला को भगवान के ईश्वर कहते हैं, या फिर अंग्रेज अल्लाह सुब्हान व तआला में अल्लाह सुब्हान व तआला को बाप कहते हैं, तो ये अल्लाह सुब्हान व तआला की अस्माउल हुस्ना में अपनी तरफ से इजाफा करता है जो अकेले के खिलाफ। अल्लाह सुब्हान व तआला के नामों में कमी करना, जैसे कोई इंसान अल्लाह सुब्हान व तआला को एक ही नाम से पुकारे, अल्लाह सुब्हान व तआला के दूसरे मुबारक नामों अल्लाह सुब्हान व तआला की बाकी नामों को नजरअंदाज कर दे, ये भी दुरुस्त है। या फिर अल्लाह सुब्हान व तआला के नामों का इतराफ दूसरों पर करना, जैसे कि दाता देने वाला, गंज बख्श खजाना बख्शने वाला, गौसे आज़म बहुत ज़्यादा मुश्किल को दूर करने वाला, मदद करने वाला, मुश्किल को शाह मुश्किल को दूर करने वाला, ये अल्लाह की बात है। इसका किसी और पर इतराफ करना ये अल्लाह सुब्हान व तआला के नामों के इतराफ से जायज़ है। इसके बाद आइए कुछ उमूमी गलतियाँ हैं उनका हम जायजा लेंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ है ताबूत से कुफ्र न करना या ताबूत की इताअत की तरफ। कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के दो जुज़ हैं, एक नफी और दूसरा इनकार। नफी यानी ला इलाहा, इस बात का ऐलान करना कि कोई माबूद बराबर नहीं है, और इस बात यानी इल्लल्लाह इस बात का इनकार करना कि अल्लाह ही माबूद बराबर है। नफी इस बात दोनों की देख में पाई जाती है और अल्लाह सुब्हान व तआला ने सारे अंबिया को इसी के साथ देखा। तो इसका तकाज़ा है कि इंसान ताबूत यानी हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह की सिवा परस्तिश की जाती है उसका इनकार करे और अल्लाह इबादत की तमाम किस्में अल्लाह तआला के लिए खास करें। वलकद बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअबुदुल्लाहा वजतनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत की परस्तिश से दूर रहो। लेकिन बाद मुसलमान तौहीद का ला इलाहा इल्लल्लाह का ये मफहूम समझते हैं कि अल्लाह की इबादत करना चाहिए, लेकिन गैरुल्लाह की इबादत की वो तरगीब, बल्कि बाद लोग शिर्क की तरगीब करने को मसीह के खिलाफ समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये बहुत बड़ी जिहाद है। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पर गौर कीजिए, उसमें सबसे पहले नफी है, उसके बाद इनकार। रसूल अकरम ने जब मक्के में इस्लामी दावत का आगाज किया तो जहाँ तौहीद की दावत थी वहाँ माबूदाने बातिला की इबादत से आपने इनकार किया, उसे रोका। कुरान मजीद में जगह जगह जहाँ अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया है तो वहीं उसके साथ साथ माबूदाने बातिला पर तकदीर की गई है, उनकी बुराइयों को, उनकी कमजोरियों को, उनके बातिल होने को वाजिब तौर पर साबित किया गया। तो शिर्क की तरतीब उसके बगैर तौहीद की कमल नहीं, तौहीद का तसव्वुर सही तौर पर पैदा नहीं हो सकता। तो आदमी को चाहिए कि शिर्क की तरतीब करे, अलबत्ता मसलियत ये है बल्कि हुक्म ये है कि इंसान अखलाक के साथ, नरमी के साथ इस तरीके से दावत दे, ऐसा नहीं कि अपनी दावत को छोड़ दे, बल्कि दावत दे लेकिन दावत के जो उसूल हैं उसको अपने जहन में रखें। उमूमी गलतियों में दूसरी गलती है इबादत के मफहूम को नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज की अदायगी तक महदूद कर देना। उमूमी गलतियाँ जैसे उसमें जो है बातों के समझते हैं कि इबादत का ताल्लुक नमाज, रोज़े, ज़कात और हज से है, इसके अलावा इंसान की जिंदगी आज़ाद है, खासतौर पर 80 साल के आकर लोग इस तरह का ख्याल रखते हैं कि उसमें इंसान जो चाहे करे, मस्जिद तक वो अल्लाह का बंदा है, मस्जिद के बाहर निकलने के बाद उसकी ज़िंदगी आज़ाद है। बल्कि बाद लोग तो ये समझते हैं कि इबादत का मामला सिर्फ अल्लाह से और उसके बंदे से, दिल से है और दूसरी कोई अमली चीज़ की उसमें ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए। जाहिर है कि अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए जीना और मरना उसी वक्त हो सकता है जबकि इंसान जब मस्जिद में आए तो अल्लाह को सजदा करे, जब बाहर निकले तो अपनी अदालत में अल्लाह तबारक तआला के अहकाम के मुताबिक फैसले करे। इसके बाद काफिरों की मुशाहदत करना, चाहे वो बातों में हो या कामों में हो, उनकी मुशाहदत इख्तियार करना ये बहुत बड़ी बुराई है। अबू दाऊद के हदीस में जिसे अल्लाह तआला ने सही करार दिया, रसूल अकरम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जो किसी कौम की मुशाहदत इख्तियार करे वो उनकी मुशाहदत हो जाए। चाहे आदात में हो, अखलाक में हो, अतवार में हो, उनकी मुशाहदत इख्तियार करना ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। आज हम देखते हैं कि मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब इस बुराई में मुलव्वस होते जा रहे हैं। खासतौर पर बच्चे जो कार्टून देखते हैं तो जो कार्टून वो देखते हैं अपने खाने पीने, सलाम कलाम वगैरह में उन्हीं की नकल करते हैं।
तो ये मुशाबहत है जिससे हमको चौकन्ना होना चाहिए और ये हमें अकीदे की बहुत बड़ी खराबी तक पहुँचा रही है। चौथी चीज़ है कुरान हकीम की बातों और जदीद सहन की ताकत में तजाद यानी मुखालिफत का ख्याल रखना। कुरान मजीद में अल्लाह तआला ने जो बातें बयान की हैं वो हकीकत है। बाकी ये समझते हैं कि कुरान की बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, आज जो जदीद तहकीकात हमारे सामने आ रही हैं वो इस कदर नहीं है कि उसके मुकाबले में वो कुरान की बातों के मुखालिफ है जदीद तहकीकात, लिहाजा कुरान की बातें बहुत पुरानी हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह तआला ने फरमाया वो या आलम मुआफिल फरहा, और अल्लाह ही जानता है जो माओ के पेट में, अल्लाह ही जानता है। सही बुखारी कह रही है कि पाँच चीज़ें गैब की दुनिया है उन्हें अल्लाह की तरफ कोई नहीं जानता, उनमें ये भी है कि अल्लाह ही जानता है कि माओ के पेट में क्या है। तो इन लोगों का ये कहना है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि अल्लाह ही जानता है कि माओ के पेट में क्या है, लेकिन आज बहुत से ऐसे मशीन आ चुके हैं जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह, उनके जरिए डॉक्टर ये मालूम कर लेते हैं कि माँ के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की। जबकि ये हकीकत में ये तसव्वुर इस आयत के मफहूम को ना समझने की वजह से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वो या आलम माँ फी अरहाम, अल्लाह ही जानता है कि माँ के पेटों में है। अरबी जबान में माँ उन अल्फाज में है जिसमें उमूमियत के माने पाए जाते हैं, यानी हर वो चीज़ जो माँ के पेट के बच्चे से ताल्लुक़ रखती है वो इसमें है, यानी उसका बनना, उसका गोरा या काला होना, उसका मस्तक़ या तबील होना, नर या मादा होना, और इसी तरह उसका रिस्क और उसका अमल, उसका नेक और बदबख्त होना, उसकी उम्र क्या होती, ये तमाम चीज़ें माँ के मुख में शामिल। सही मुखालिफ हदीस है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में होता है, उसके बाद 40 दिन जमे हुए खून की शक्ल में होता है, उसके बाद 40 दिन जमे हुए गोश्त के टुकड़े की शक्ल, गोश्त के दोचड़े की शक्ल में होता है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक फरिश्ते को भेजता है जो उसमें रूह को फूंकता है और उसे चार चीज़ों के लिखने का हुक्म दिया जाता है, उसका रिस्क, उसकी उम्र और नेक होगा या बदबख्त और उसका, ये चार चीज़ें फरिश्ता और सब देखता है। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर हम इन चार चीज़ों को शामिल कर लें मजीद दूसरी चीज़ों के साथ, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी आले या मशीन के जरिए डॉक्टर फॉलो नहीं कर सकते, जबकि माँ की उम्र से चीज़ें शामिल हैं। ये सारी तफसीलात के साथ अल्लाह जानता है, ये सारी तफसीलात के साथ अल्लाह की कोई नहीं जानता। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर जानते भी हैं तो 120 दिन के बाद, जबकि फरिश्ता उसमें रूह फूंक देता है, और 120 दिन से पहले डॉक्टर तो डॉक्टर है बल्कि वो फरिश्ता भी नहीं जानता, क्योंकि 120 दिन के बाद अल्लाह की तरफ से रूह फूंक देता है, सब पता चलता है। तो 120 दिन के बाद भी जब तकलीफ वाजे होती है तब पता चल सकता है, लेकिन 120 दिन से पहले डॉक्टर ये भी नहीं पता कर सकते कि ये लड़का हो गया। तो कहने का मतलब ये कि कुरान की बातों में और तहकीकात में कभी कोई तजाद नहीं हो सकता, क्योंकि कायनात में जो हकीकत अल्लाह ने रखी है वो अल्लाह ही ने रखी है, और कुरान को जो नाज़िल करने वाला है वो भी अल्लाह पाक कर रहा है, इसलिए एक ही माबूद के, एक ही अल्लाह की ये सब चीज़ें हैं, इनमें तजाद नहीं हो सकता। कभी हमें तजाद महसूस हो रहा है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हमारे फहम का कसूर है, हमें सही तौर पर जायजा लेना चाहिए, या फिर ये तहकीक अभी इब्तदाई है, या फिर ये गलत है, आगे तब्दील हो जाएगी। तो ये कुछ गलतियाँ हैं अकीदे के सिलसिले में, और फिर उसके बाद कुछ अल्फाज की गलतियाँ हैं, जैसे कि लेकिन तफसीलात में जाने का मौका नहीं, क्योंकि वक्त अब सिर्फ 10 मिनट रह चुके हैं। तो अकीदे के सिलसिले में जो अल्फाज की जो गलतियाँ हम लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम कह देते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया किसी बात की, किसी बुरी चीज़ के होने पर, कि अगर मैं ऐसा किया होता तो बच जाता, या फिर ये कहते हैं कि ज़माना बड़ा खराब है, ज़माने को गाली देना, या फिर ऐसे नाम लिखना जिसमें गैर था कि अब तो जैसे अब्दुल नबी है, अब्दुल रसूल है, नबी का बेटा, नबी का बंदा, रसूल का बेटा, या वगैरह वगैरह। तो ये तमाम अल्फाज में गलतियाँ हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब आइए हम अपने मौजू के दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे कि इनके जो असरात हैं वो क्या हैं। अकीदे गुनाहों के जो असरात फ़र्द और माशरे पर पड़ते हैं वो गुनाहों के छोटे बड़े होने के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं, और गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अकीदे की खराबी है, लिहाजा उसके असरात भी सबसे ज़्यादा संगीन और सबसे ज़्यादा खतरनाक। और अकीदे की खराबी के भी दर्जात मुख्तलिफ हैं, कुछ बराह रास्त शिरक है और कुछ शिरक का अकीदा है, तो उसके असरात भी मुताबिक होते हैं, ये फ़र्द का मामला है। लेकिन माशरे में जब ये खराबी पैदा होती है तो इसके असरात सब पर निर्भर होते हैं, ख़ासतौर पर जब माशरे में शिर्क और खबत परस्ती और बुत परस्ती होती हो, माशरे के दूसरे लोग रोकते न हों, तो उस मौके पर अल्लाह तबारक तआला का जब अज़ाब आता है तो सब यानी जो अल्लाह तबारक तआला की इबादत करने वाले वो भी, और जो अल्लाह तबारक तआला की इबादत हलाल रखने वाले वो भी हलाक होते हैं। अलबत्त आखिरत में अल्लाह तबारक तआला हर एक को उसके अमल के मुताबिक बता देगा, लेकिन उमूमी अज़ाब में सब के सब हलाक हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है
कि अकीदे की खराबी के ये असरा सिर्फ यहूदियों, नसरानियों और हिंदुओं के साथ खाते हैं, बल्कि मुसलमान भी जब अकीदे की खराबी रखते हैं तो उन पर भी ये असरा यकीन तौर पर वाजिब होते हैं। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला अकीदे की जिन खराबियों की वजह से यहूद और नसारा को अजाब में अजाब और दोज़ख की वही सुनाए, उन्हीं खराबियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से कह दे कि इनको कोई मुश्किल नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की इंसाफ का तकाजा ये है कि दोनों अकीदे की खराबी का शिकार होते हैं, और तफसील इंशाअल्लाह हमारे अगले बाब में आएगी। तो अकीदे की खराबी की वजह से जो चीज़ें हमें पैदा होती हैं, जो असरात होते हैं, उनमें सबसे पहला असर है इंसान तवहम परस्त बन जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद थी, लेकिन बस क्योंकि शुरू में नहीं आई थी तो मैं समझ आता कि नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद थी। तो अकीदे के जो बुराइयाँ हैं इंसान पर पड़ती हैं, उनमें ये पांच खराबियाँ हैं जो दुनिया में वाक़ हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो दुनिया में जो खराबियाँ इंसान पर पड़ती हैं उनमें सबसे पहली चीज़ ये कि इंसान वहम पर, इसलिए कि जिस चीज़ का वह कायल होता है उसकी कोई दलील उसके पास नहीं है, उसकी कोई दलील उसके पास नहीं है। जैसे कि यहूदी कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, इसकी कोई दलील उनके पास नहीं है, और नसरानी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, इसकी कोई दलील उनके पास नहीं है, और हिंदू कहते हैं, हिंदू कृष्ण और राम को माबूद कहते हैं, इसकी कोई दलील उनके पास नहीं है, और बाद मुसलमान मुसीबत के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेख अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह को पुकारते हैं, इसकी भी कोई दलील उनके पास नहीं। ये तो वहम खुराफात हैं जिसको उन्होंने अकीदा बना दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया इन हिया इल्ला अस्माउन समयतुहा अंतुम व आबाउकुम मा अनज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न व मा तहवा अन्फुस, कि ये तो नाम है जो तुमने रख दिया, अल्लाह ताला ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की, ये लोग तो वहम अटकल और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए। तो जो इंसान अकीदे की खराबी का शिकार होता है वो दुनिया का सबसे कमजोर इंसान इस हैसियत से होता है कि उसकी पहचान होती है वहम पर, और उसके बाद जिन चीज़ों को अपना सहारा बनाता है वो भी बहुत ही नापायदार है। अल्लाह तआला ने सूरह अल-कबूत में उसकी एक मिसाल देते हुए फरमाया कि जो अल्लाह के सिवा दूसरों को कारसाज बनाते हैं उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि बकरी भी अपना घर बनाती है। व इन अवहनल बुयूती लबैतुल अंकबूत, और सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर, यानी जिस तरह मकड़ी का घर, मकड़ी का जाला उसे गर्मी से, सर्दी से और आफात से महफूज नहीं रखता, उसी तरह जो लोग गैरुल्लाह का सहारा बनाए हुए हैं वो उनके कुछ काम नहीं आ सकते, बल्कि वो खुद मोहताज हैं, आजिज हैं और बेबस हैं। यानी ये शख्स किसी भी तरह अपने अकीदे में भी वहमी है और अपने सहारों में भी वहम से दूचा है, और दूसरी चीज़ है जानवरों से बदतर हो जाता है, इसलिए कि जानवर अपने रब को पहचानते हैं और अपनी पैदाइश के मकसद के मुताबिक अल्लाह पाक ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा में तो सब के कुल हुस समावा तो सब वल अर्द व मन फी ही व इन मिन शयइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही व लकिन ला तफ़क्कुरून तस्बीह, कि अल्लाह ताला के लिए सातों आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें है उसकी तस्बीह करते हैं, और कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो अल्लाह ताला की तारीफ के साथ उसकी पाकी न बयान करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्वीर को समझ नहीं सकते। लिहाजा सही बुखारी की हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब अपने सहाबा के साथ खाना खा रहे थे, तो सहाबा के नाम ने खाने से अल्लाह ताला की तस्वीर की आवाज़ सुनी। और सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि किसी नबी को एक चूटी ने काट दिया, तो उस नबी ने उस वादी को जलाने का हुक्म दिया जिसमें चूटियाँ नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी कि एक चूटी ने तुम्हें काटा तो तुमने पूरी एक उम्मत को जो मेरी तस्बीह बयान करती है जलाने का हुक्म दे दिया। और सही बुखारी सही मुस्लिम के हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब गुजरते तो एक पत्थर आपको सलाम किया करता है। तो ये तो मौजूदे हैं जिससे ये मालूम होता है कि वो तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन अल्लाह ने वादे किया कि उनकी तस्बीह हम समझ नहीं सकते, जरूरी नहीं कि हम समझ सकें, वला कि ला तफ़क़ुरून तस्बीह,
जानवरों का, सैयारों का, जमादात का, नबादात का भी अल्लाह तआला की इबादत में ये हाल है, लेकिन ये अल्लाह की इबादत से मुंह करता है, बल्कि इबादत भी करता है तो अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करता है, तो इससे कोई शक नहीं कि ये जानवरों से करता है। इसीलिए अल्लाह तआला ने फरमाया लहुल कुलूब ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुन ला यबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानु ला यस्मऊना बिहा उलाइका अनआम वलहुम अज़ल, कि उनके दिल है लेकिन समझ नहीं सकते, आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, कान है लेकिन सुन नहीं सकते, ये जानवरों की तरह चौकानी की तरह है बल्कि उससे भी बदतर है। उसकी और तरी में फितना जाहिर हो गया लोगों के करतूतों की वजह से, ताकि अल्लाह ताला उन्हें उनके बाद आना की मदद करें। खुशकी और तरी में फितना और फसाद, फितने और फसाद से मुराद हर वो बिगाड़ के माशरे में पाया जाता है, हाहाक है, दलदले हैं, खतरनाक बीमारियाँ हैं, उमूमी अजाब है, ये तमाम के तमाम जो हम देख रहे हैं ये जाहिर हो गया लोगों के करतूतों की वजह से। जाहिर है कि लोगों की बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई तो अकीदे की बुराई है, जिसकी वजह से तमाम बुरी जाहिर होती है, हलाकत बर्बादी अकेली बन जाती है। इंसान जब जमीन पर फितना फसाद मचाता है और उसके बाद अपने हकीकी माबूद को छोड़कर दूसरों की पूजा प्रस्तुत करता है, तो उसका अंजाम हलाकत बर्बादी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कौमों में कौम समूद और कौम आद और अफराद में हारून और फिरौन की मिसाल दी कि ये इसी तरह की बुराइयों में मुलव्वस थे, हमेशा के लिए नेक से नाबूद हैं। फकुल्लन अखज़ना बिज़म्बिह फ़मिन्हुम मन अख़ज़तहु सय्यिहा फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हाफ़िज़ा वमिन्हुम मन अख़ज़तहु सय्यिहा वमिन्हुम मन अख़ज़तना मीथाक वमिन्हुम मन अख़ज़तना, कि इन सबको हमने उनके गुनाहों की पादाश में पकड़ लिया, किसी पर हमने पत्थरों की बारिश बरसाई और किसी को जोरदार सख्त आवाज में दबोच लिया और किसी को हमने जमीन में धंसा दिया और किसी को हमने गर्क कर दिया, तो ये वो अंजाम है जो इंसान को यहाँ जो इसमें इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर हलाकत और बर्बादी जब होती है उस पर जमीन आसमान और दुनिया की चीज़ों को कोई असर नहीं है। अल्लाह तआला ने फिरौन की कौम की हलाकत के बाद कहा समा बहत अलैहिम समाउ वल अर्ज़, आसमान और जमीन उनके ऊपर नहीं है और न ही उन्हें मोहलत दी, यानी ये सारी चीज़ें उन पर खुश होती हैं। इंसान बहुत मुमकिन है कि इंसानियत के नाम पर उनके साथ हमदर्दी का मुजाहरा करे, लेकिन जमीन और आसमान की सारी चीज़ें जो उनके आमाल से तंग होती हैं उनकी आसमान से खुश होती है। सही बुखारी के हदीस में रसूल अकरम ने फरमाया कि एक फासिक बदकार आदमी की मौत पर सिर्फ इंसान ही राहत नहीं पाते बल्कि शहर भी, दरख्त भी और जानवर भी राहत पाते, क्योंकि उनकी जो नफूसत है वो पूरे लोगों की बात। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो खास तौर पर मुस्लिम माशरे में इस तरह के अकाली को जाते असरा करते हैं। सबसे पहली बात ये कि इस्लाम की गलत तस्वीर है, उम्मत मुस्लिमा खैर उम्मत है, उसकी जिम्मेदारी है कि दूसरों तक इस्लाम की दावत पहुँचाए, इसका तकाजा है कि उसकी बातों से, उसके किरदार से, उसके अखलाक से, उसके आवाज से इस्लाम की सही तस्वीर पेश होती है। लेकिन आज के हालात में हम देखते हैं कि एक गैर मुस्लिम को मुस्लिम माशरे में और मुसलमान माशरे में कोई खास फर्क महसूस नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए यहाँ जहाँ जगह जगह मंदिरें हैं वहीं मज़ारें भी हैं, इन मंदिरों में हिंदू अपने मुख्तलिफ बुतों के आगे सजदा करते हैं, तो यहाँ कुछ मुसलमान अपने कब्रों के आगे सजदा करते हैं, ये अपने राम और कृष्ण की पूजा करते हैं तो ये फलाह और सलाम की पूजा करते हैं, ये इनसे उम्मीदें बांधते हैं तो ये उनसे उम्मीदें बांधते हैं, यानी जाहिर में कोई फर्क महसूस नहीं होता। यही वजह है कि एक हिंदू रहनुमा ने अजमेर की कैफियत देखने के बाद कहा था कि मुझे अब तक शक था कि मुसलमान और हिंदुओं में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा हो सकता है या नहीं, लेकिन आज यकीन हो चुका है कि इत्तेफाक पैदा हो सकता है, इसलिए कि हमारे मजहब में इनके मजहब में सिर्फ नामों का फर्क है, आपके साथ दोनों की है। ये जो अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि इस्लाम की यह गलत तस्वीर लोगों के सामने पेश होती है, ये तस्वीर एक ऐसी है कि दूसरों को इस्लाम की तरकीब नहीं होती। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उसमें से कुछ लोग इस्लाम कबूल करने के बाद एक कुफ्र से निकलते हैं और इसी तरह हज़ारों के कुफ्र में दो चार होते हैं, तो उसका नुकसान ये है कि एक कुफ्र से निकल गए और दूसरे कुफ्र गिर गए, तो जब तक उम्मत मुस्लिमा इसकी इस्लाह का फिक्र नहीं करती और इसको दूर नहीं करती, तब तक वो इस्लाम की सही नुमाइंदगी नहीं कर सकती और उस वक्त तक वो इस्लाम की तब्दील कहाँ अदा नहीं कर सकती। और आखिरी बात ये कि उम्मत मुस्लिमा कमजोरी का शिकार होता है। आज गौर कीजिए कि मुसलमान कुव्वत के लिहाज से, तेजाद के लिहाज से किस कदर है, वसाइल कुव्वत उनके पास है और नमाज रोज़ा ज़कात हज भी बहुत हद तक अदा कर रहे हैं और जानी और माली कुर्बानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ज़लील ख़ार और पस्त है।
उसकी वजह यह कि जब बुनियाद कमजोर होगी तो उसके ऊपर कोई मजबूत इमारत कामिल नहीं होगी। जब अकीदा खराब होगा तो नमाज रोजा और ज़कात और हज के जरिए अल्लाह को राजी नहीं किया जा सकता। तो ये बुनियादी बातें जो याद रखनी चाहिए कि इसके जो असाफी खतरनाक हैं। मैं यहाँ अपने बात के खत्म पर पहुँच चुका हूँ और मेरा वक्त खत्म हो चुका। इसके साथ ही मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ कि हमारे अकीदे में जो बिगाड़ है अल्लाह उसे दुरुस्त कर दे और हमें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के मुताबिक हमारा अकीदा बना दे और जो बदअकीदे की है उसे दूर करें। शरारती, खबीस और नाफरमान।
शैतान के इस मुख्तसर तारुफ के बाद आइए जानते हैं कि शैतान का इंसान से ताल्लुक और रिश्ता क्या है। इंसान का, शैतान का इंसान से जो ताल्लुक और रिश्ता है, अगर एक जुमले में कहूँ तो सिर्फ अदावत दुश्मनी, बुग्ज व हसद और कराहियत व नफरत का है। शैतान की गर्ज़ व ग़ाय़ क्या है, वो इंसान से चाहता क्या है। शैतान इंसान से चाहता है कि इंसान ईमान के बजाय कुफ्र को, तौहीद के बजाय शिर्क को, सुन्नत के बजाय बिदअत को, इताअत व फरमाबरदारी के बजाय मासियत व नाफरमानी को, मारूफ व भलाई के बजाय मुनकर व बुराई को, और सिरात मुस्तकीम के बजाय सिरात जहीम जहन्नम के रास्ते को अपना है, और इसी जहन्नम में धकेलने, दाखिल करने, इंसान को हक राह से दूर रखने, उसे गुमराह करने के लिए उसके पास बहुत सारे हथकंडे हैं, हथियार, उसके पास बहुत सारे वसाइल व ज़राए हैं, उसको बहुत लंबी मुद्दत का तजुर्बा है। इबलीस को सैकड़ों और हज़ारों नहीं बल्कि दसों साल का तजुर्बा है कि इंसान को किस तरह गुमराह किया जाए। इंसानियत के खिलाफ शैतान ने सबसे पहला जो हथियार इसका इस्तेमाल किया वो वसवसे का है, जो मेरा मौजूद। तो वसवसा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम व हव्वा इंसानियत के बाप और माँ हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, उनसे कहा कि जन्नत की सारी नेमतों से फ़ायदा उठाओ, लुत्फानंदोज हो जाओ, एक दरख्त है जिससे तुम्हें मना किया जाता है, उसका फल खाना तो दूर की बात, उसके करीब भी मत जाना, वरना तुम घाटा उठाओगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। फवसवसा लहुमा शैतान लियुबदिया लहुमा मा बूरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा इला आखिर आयात। तो यहाँ शैतान ने वसवसा पैदा किया, कहा कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, तुम्हारा खैर खाऊँ, तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ, तुम इस दर्द का फल खा लोगे तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, हालांकि वो जन्नत से निकालना चाहता है, तुम फरिश्ते बना दिए जाओगे। तो उसने झूठी कस्में खाई, आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम ने उसके कस्मों के बिना उसके वसवसे का शिकार हो गए, अल्लाह के अहद और अम्र को भूल गए, दरख्त के फल को खा लिया और जन्नत से निकाल दिए। तो उसका सबसे पहला जो हथियार था वो वसवसा था। आइए जानते हैं कि वसवसा का माना मफहूम क्या है। वसवसा कहते हैं इंतहाई पोशीदा और मख्फी हरकत या आवाज़ जिसको महसूस न किया जा सके। शैतानी वसवसे मुराद ये होता है कि शैतान जो बुरे अफकार और ख्यालात इंसान के दिल में डालता है उसको वसवसा कहते हैं। वसवसे की किस्में कितनी हैं? वसवसे की तीन किस्में हैं। एक वसवसा मुअक्कत होता है कि बसा अवकात इंसान को गलत ख्याल आते हैं, गलत अफकार आते हैं, गुनाह के अफकार आते हैं, अगर इंसान उससे एहतियात बरत ले, उससे पनाह मांग ले तो वो छट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मुख्तसर वक्त के लिए वो वसवसे आते हैं। दूसरी किस्म एक वसवसा दाई होता है जो इनके उसके साथ मुलाजिम लगा रहता है, चाहे वह इबादात में हो, चाहे अकाइद में हो, चाहे मामलात में, किसी भी हालत में अक्सर अवकात वो वसवसे इंसान के साथ लगे रहते हैं। अगर इबादात में अक्सर ये दाइमी वसवसों का अगर वो शिकार हो जाए तो उसकी इबादतों में खराबी आ जाती है, अगर अकाइद में हो जाए तो उसके ईमान बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, उसमें फसाद आ सकता है। वसवसे की एक तीसरी किस्म है जो मरज है, बीमारी है, जिसका ताल्लुक इंसानी दिमाग से हो सकता है या वरासती तौर पर वो मर्ज हो सकता है। एक बीमारी है जिसका इलाज इल्म तिब में है, डॉक्टरों के पास है, या इल्म नफ्स के जरिए उसका इलाज किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि वसवसे के मसादिर क्या हैं, वसवसा कौन पैदा करते हैं, किनसे वसवसा सादिर होता है। सबसे पहली चीज, वसवसा नफ्स से सादिर होता है, नफ्स वसवसों को पैदा करता है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वलकद खलकनल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने इंसान को पैदा किया, हम जानते हैं कि उसका नफ्स क्या वसवसे पैदा करता है, उसके अंदर क्या ख्यालात और अफकार आते हैं, और हम उसकी शहर से ज़्यादा करीब। पहला मस्तर है जो वसवसा पैदा करता है वो नफ्स, दूसरा मस्तर है शैतान। शैतान का एक नाम अलवसवास भी है, जैसा कि सूरह नास में जिक्र किया गया है, शर्रिल वसवास खन्नास, और जैसे कि मैंने आयत तिलावत की फवसवस लहुम शैतान, सूरह तहा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फवसवस इलैहि शैतान قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى। तो वसवसे का दूसरा मसदर शैतान है जो हमारा मौजूद है। वसवसे का तीसरा मसदर शयातीनुल इंस है, इंसानी शैतान। इंसानों में भी शैतान होते हैं, ये बात कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن। हमने हर नबी के दुश्मन बनाए हैं इंसानों में से जो शैतान होते हैं और जिन्नों के जो शैतान होते हैं। हजरत अबू दर्र रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया نعوذ بالله من شرور الجن والشياطين من شياطين الانس والجن। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया نعوذ بالله من شياطين الانس والجن, कि हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं इंसानों और जिन्नों के शयातीन। उन्होंने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो आपने फरमाया कि हाँ, शर मिन शयातीन जिन, जिनके शैतानों से भी ये बुरे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी के साथ एक करीन होता है, एक हमजाद होता है, हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है। सहाबा किराम ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी शैतान? आपने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी शैतान है, मगर अल्लाह ने उसके खिलाफ मेरी मदद की है, वो मुसलमान हो गया है, या वो फरमा बरदार हो गया है, या कि मैं उसके शूर से महफूज हूँ। तो लिहाजा इंसानों में शयातीन होते हैं और वो भी वसवसा पैदा करते हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। अब आइए कि नफ्स जब वसवसा पैदा करता है तो उसकी बात सूरतों या बाद मिसालों को कुरान के जरिए मैं बयान करूँ। आप सामरी के वाक़े को जानते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो सामरी ने क्या किया? कौम के पास जो जेवरात थे उसको आग में डाल दिया, उससे एक बछड़ा बनाया और रसूल के नक्शे पा की जो मिट्टी थी उसको उसमें डाल दिया, उससे गाय की आवाज़ आने लगी, कौम बहक गई, गुमराह हो गई। उन्होंने कहा हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फनसी। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में लौट गए। आपने सामरी से खिताब करते हुए फरमाया قال فما خطبك يا سامري, ऐ सामरी तेरी हकीकत क्या है, तेरा मामला क्या है, कि तूने क्या किया? قال بصرت بما لم يبصروا به, मैंने वो चीज देखी जिसको औरों ने नहीं देखी, दूसरों ने नहीं देखी। وقبضت قبضة من اثر الرسول, रसूल के नक्शे पास से मैंने एक मिट्टी की मुट्ठी ले ली, فنبذتها, मैंने उसको डाल दिया। وكذلك صورت لي نفسي, यही इससे शायद कि मेरे नफ्स ने मेरे लिए सलाह दी कि मैं ऐसा करूं। तो ये नफ्स के गुमराह करने की गुनाह पर तो नफ्स मालूम हुआ कि शिर्क और गैरुल्लाह की बात में मुबतला करता है, उसका वसवसा पैदा करता है। नफ्स कत्ल के जुर्म पर उभारता है, उसका वसवसा पैदा करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का वाक़िया आपको पता है, हाबिल जो हालिक था हलाक होने वाला था, काबिल जो कातिल था। काबिल के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फतवअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी, कि उसने उसके नफ्स ने काबिल के नफ्स ने आमादा किया उसको अपने भाई।
भाई के कत्ल पर फ़क़तलहू फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, तो काबिल ने कत्ल किया और वो घाटा उठाने वालों में से हो गया। तो मालूम हुआ कि नफ्स इन्हें कत्ल के जुर्म पर उभारता है, नफ्स ज़िना पर उभारता है। आपको मालूम है कि इमरातुल अज़ीज़ ज़ुलैखा, जब ज़ुलैखा ने कहा, यानी ज़ुलैखा जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हर तरह यानी बहलाना चाहती थी, एक गलत रास्ते पे डालना चाहती थी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जब बरात ज़ाहिर हुई तो ज़ुलैखा ने क्या कहा, वमा उबर्रिकु नफ्सी, एक कौल यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कौल है, लेकिन दूसरे कौल में वमा उबर्रिकु नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देती हूँ, नफ्स तो बुराइयों पर उकसाता है मगर जिस पर मेरा रब रहम करे। तो मालूम हुआ कि नफ्स जिना पर भी उभारता है, नफ्स झूठ कहने पर, धोखा देने पर, वादा खिलाफी पर भी उभारता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में फेंक कर आए और उनके खून को यानी उनके कमीज को झूठे खून में लुत करके आए, झूठा खून लगा कर आए, वह जाओ आला कमीज ही भी दमिन कदिम, तो यूसुफ यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, قال بل صورت لكم انفسكم امرا, तुम्हारे नफ्स ने ये बात बनाई। इसी तरह बिन्यामीन के मौके पर भी आपने कहा, قال بل صورت لكم نفسكم امرا انفسكم امرا, तो लिहाजा नफ्स इबादतों में, नमाज में भी वसवसा पैदा करता है। हुमरान मौला उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, वो वजू करते हैं, करके फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह का वजू किया, आपने फरमाया कि जो कोई इस वजू की तरह वजू करे और अल्लाह की खातिर दो रकात नमाज पढ़े और इन दो रकात में नफ्स के वसवसों का शिकार ना हो तो अल्लाह उसके आगे अगले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो ये नफ्स के वसवसों की बात सोचते हैं और शक्लें। अब आइए शैतानी वसवसों की बात इशारों को मैं बयान करता हूँ। शैतान वसवसा पैदा करता है अकीदे में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से शैतान किसी के पास आता है, वो कहता है कि फलां चीज़ को फलां ने पैदा किया, फलां चीज़ को फलां ने पैदा किया, आखिर वो यह वसवसा पैदा करता है, मन खलक़ रब्बुक, कि तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। अगर ये वसवसा और ख्याल आए तो उस वसवसे से यानी अपनी तवज्जो हटा ले और अल्लाह की पनाह मांगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हमारे नफ्सों में ऐसी चीज़ों को पाते हैं कि उसको ज़ुबान पर लाना बहुत ही अजीम गुनाह समझते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अवकद वजदतुमु, क्या तुम ऐसी चीज़ पाते हो। सहाबा ने कहा कि हाँ, आपने फरमाया कि यह सरीह ईमान है। और एक रिवायत में सहाबी फरमाते हैं कि मेरे नफ्स में ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं जल कर कोयला हो जाऊँ, मुझे पसंद है इन ख्याल से। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इल्लवसवसा, अल्लाह की तारीफ है, उस ज़ात की तारीफ है जिसने उसके मकर फरेब को सिर्फ वसवसे की हद तक महदूद रखा। इस तरह कई रिवायत हैं। और एक रिवायत में आता है, सहाबी कहते हैं कि मुझे आसमान से गिर कर हलाक होना पसंद है, मैं लेकिन ये वसवसे मेरे पास जो आते हैं मुझे पसंद नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सही ईमान है। तो मालूम हुआ कि शैतान अकायद में वसवसे पैदा करता है। सही ईमान क्यों कहा एक नुकता यानी इसकी वजाहत करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सही ईमान इसलिए कहा क्योंकि जो काफिर होते हैं, मुल्हिद होते हैं, जिंदीक होते हैं, पहले से उनके पास कुफ्र होता है, अकायद की खराबी होती है। चोर एक वीरान और उजड़े हुए घर की तरफ रुख नहीं करता है, चोर ऐसे घर की तरफ रुख करता है जहां पर कुछ साजो सामान, इसीलिए